राजीव बंसल फिर मुखातिब हूँ आपसे, मुखातिब हूँ आज इसलिए कि एक बड़ी खुशी की घड़ी है, एक मुकद्दस मुकाम है आज। मुख्यमंत्री जी हासिम का में आगमन है, उनका आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। अब की बार 75 पार का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री जी यहाँ हासिम में पदार्पण हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट पर हम खड़े हैं, टोल प्लाजा पर। टोल प्लाजा सबसे पहला पॉइंट होगा, मुख्यमंत्री जी का खैर मकदम होगा, अभिनंदन होगा, स्वागत होगा, इस्तकबाल होगा। मेरे साथ खड़ी है हिसार जिला की महिला की भाजपा अध्यक्ष गायत्री देवी, और मेरे बिल्कुल बिल्कुल भाई और खड़े हैं मनदीप मलिक जी, प्रोफेसर मनदीप मलिक, वरिष्ठ भाजपा नेता। आइए इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए, इस्तकबाल के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। अब की बार 75 पार का नारा लेकर मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हम खड़े हैं टोल प्लाजा पॉइंट पर, पहला पॉइंट है जहां मुख्यमंत्री जी जैसे ही हिसार से यहां प्रवेश करेंगे तो यहां उनका पलक पावड़ों के साथ अभिनंदन स्वागत होगा और भारत माता की जय के नारे लगाए रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि कमल के झंडे इनके हाथों में हैं और एक उमंग, एक उत्साह इनके कार्यकर्ताओं के बीच में है। मेरे साथ खड़ी है बिल्कुल गायत्री देवी जी, स्वागत है आपका गायत्री देवी जी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी पहले आपके यहाँ आएंगे, सबसे पहले यही प्रवेश करेंगे, कैसा अभिनंदन और कैसा स्वागत की तैयारियाँ की हुई है? बहुत अच्छी हमने तैयारियाँ की हुई है, और मुख्यमंत्री जी के जो सबका साथ और सबका विकास को साथ लेकर चले हैं, लक्ष्य हमारा मनोहर द्वारा उस जैसा की नाम से प्रतीत होता है, जन आशीर्वाद यात्रा, जनता की यात्रा, जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आज मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इतनी सारी आप मात्र शक्ति है मेरी, इनको देख सकते हैं भाई बहन सभी, ताऊ चाचे सभी खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री जी को हाथ, उनके और ज्यादा हाथ मजबूत बनाने के लिए आज ये सब इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो आप देखिए कि कितना जहां भी पॉइंट बनाए गए हैं, पहला जो स्वागत का कार्यक्रम है, मेरा सौभाग्य है कि मैं महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं को एक पहला पॉइंट स्वागत के लिए दिया गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और एक चीज आप देखिए कि जन आशीर्वाद यात्रा जैसा नाम से प्रतीत होता है, जनता की यात्रा, तो जनता की यात्रा में मनोहर लाल जी अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए एक बहुत ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें हरियाणा में इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, जिन्होंने पारदर्शिता से जनता के दिलों में, दिमाग में जगह बनाई। पुष्प वर्षा से भी उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, पुष्प वर्षा से हम उनका स्वागत करेंगे। और वो कहते हैं ना कि चिमटा गाड़ देना, आज हम उनको भेंट स्वरूप चिमटा देंगे। 75 पार का चिमटा जो हमने आज गाड़ना है वो हम मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे महिला की तरफ से। मेरे साथ खड़े हैं प्रोफेसर मंदीप मलिक जी खड़े हैं मेरे साथ, और ये बड़े जुझारू हैं, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं और बहुत यशस्वी वक्ता है, प्रखर वक्ता है। आइए इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ था, एक लेबल लगा हुआ था, तो ये तो एक शहरी पार्टी है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं काफी हाथ में कमल के फूल का झंडा लिए हुए है, पार्टी का झंडा लिए हुए है, और मुख्यमंत्री का अभिनंदन स्वागत। मलिक साहब आप किस तरह कर रहे हैं? ये उमरा मंडल की यहाँ पर विशेष तौर से ड्यूटी है, राजकुमार बैर उमरा मंडल के प्रधान मेरे साथ हैं, महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष वो भी मेरे साथ हैं, और ये पहला पॉइंट जो हमें दिया गया उमरा मंडल को, ग्रामीण क्षेत्र को, खास बात से 7 पास को, यहाँ पर जो है ना अभी जो बात के 75 पार, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये दिखाई ही नहीं देता कि कौन सी सीट कांग्रेस जेजेपी ने लो वो जीते, कौन सी सीट की, मुझे तो एक सीट दिखाई नहीं देती। आज भूपेंद्र सिंह डकलोई से हार रहे हैं, आज वो उनके जो कांग्रेस के अंदर उनकी कोई स्थान नहीं है, कल पूरे देश ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा भूपेंद्र हुड्डा का क्या हाल बना हुआ है, ना कांग्रेस पूछ रही है, साथ वाले भी कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं लेकिन हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो आज जो कांग्रेस का तो इतना लुटिया डूब चुकी है, और जेजेपी इन लोगों का हाल क्या है वो भी आपको देख चुके हैं। तो आप 75 बार, मैं तो ये कहता हूँ कि एक सीट तो बता दो जो कांग्रेस या जेजेपी या इनलो जो जीतने की स्थिति में है। मैं कहता हूँ 90 के 90, ये एक किस्म जैसे 10 के 10 हमने जीती थी, हरियाणा प्रदेश की जनता हमें 100% उसी तर्ज पे, मुझे लगता नहीं कि हम 90 के 90 से कम रह पाएंगे। आप 75 नहीं, हम 90 के 90 जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आप तो कामरेड रही हैं और अध्यापक सिंह की महिला मोर्चे की आप प्रधान भी रही हैं, और मुख्यमंत्री के स्वागत में काला चश्मा लगाकर बैठी, अक्सर हम काला चश्मा आपके चेहरे पे देखते हैं, काला चश्मा निशानी है
नहीं, जब कभी आपको कोई विकार आ जाएगा कि ना मनुष्य बन गया है, आपकी एक पर्सनैलिटी का एक नमूना बन गया है। नमस्कार करता हूँ मैं आपको, आप ग्रामीण आंचल से आकर मंदिर श्री है, तो आपके साथ में इतनी ग्रामीण महिला आई है, क्या कहती है, क्या समझती है मुख्यमंत्री? ये समझती है कि ऐसा मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं आया। सर मैं दो मिनट में करता हूँ सर, क्योंकि न कोई इनमें भ्रष्टाचारी है, न कोई इनमें मतलब किसी प्रकार की बेईमानी या कुछ वो है, इनको आगे लड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ भैया आपसे, आप क्या कैसे आए हैं, किस मकसद के लिए आपको जिता रहे हैं? हम तो बताऊँ मास्टरी आके प्रधान है और मंदी पर हमते इनका पाछा है रेल का डब्बा राम तो पर छपा छो रहे हैं अभी डब्बा ही है रेल का डब्बा तो क्या था, किसका धंधा लग गया है? रेल का है, रेल का लग रहा है बीजेपी का। अच्छा आज कौन आ रहे हैं पूरे? हां जा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। कितनी भोली जनता है ये, कितनी भोली जनता है ये, इससे साफ जाहिर होता है कि ग्रामीण आंचल का हर महिला बताओ ये ग्रामीण आंचल की महिला है, बहुत भोली है, बहुत सीधी है। इनका लक्ष्य यही है कि मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यानी कि आए और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाए, लोकप्रिय सरकार बनाए। कईयों ने कहा कि इनकी बात 75%, तो कई कह रहे हैं कि 100%। हम पहले पॉइंट पे खड़े हैं, ये पॉइंट है यानी कि टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पर यहाँ गायत्री देवी जी जो कि जिला मोर्चे महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष है, उनको यहाँ स्वागत में है, मंदीप प्रदीप जी को स्वागत में है, ग्रामीण आंचल की महिलाएं आप देख रहे हैं किस कदर भाजपा का पटका लगाए हुए, हाथ में तिरंगा लिए हुए, आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का होर्डिंग लगा हुआ है सामने, अब ये पंडाल लगा हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री जी को प्रवेश करेंगे तो यहाँ उनका स्लोगन के साथ अब की बार 75 पार का नारा लगेगा, यशस्वी मुख्यमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगेगा, ऐसा ही उन्होंने बताया हमें। हम दिखा रहे हैं ये होर्डिंग, जो यहाँ प्रवेश करेंगे तो हम जानते हैं हमारे साथ डीएसपी राजकुमार सैनी जी यहाँ है, उनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुरक्षा प्रबंध किए हैं, शहर के अंदर कुछ जगह पर यानी कि प्रदर्शन भी हो रहे हैं और उन्होंने कॉल दी हुई है, तो आपने पूरे एहतियातन तौर पर मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं राजकुमार जी? साहब सुरक्षा के लिहाज से हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौर में दौरा काफ़ी हमारे जो प्रोसेस का है हम शुरू कागजात के अंदर काफ़ी हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उसके दौरान कोई भी किसी प्रकार की बात ना हो उसके एहतियात के तौर पर हमने अपने सिविल पाशात के अंदर जो तो हमारे सुरक्षा जो अध्यक्ष उन्होंने कॉल दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा और कानून के अनुसार यहाँ फोर्स अलग अलग पॉइंटों के ऊपर हमारे हैं, सबसे उसका एक जो हमारे जो सुरक्षा पॉइंट है जो बनाए गए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान उसको सुचारू रूप से रखने के लिए हमने एक हमारा उप पुलिस अधीक्षक हमारे डीएसपी रैंक का अधिकारी और दो इंस्पेक्टर्स और उनके साथ हमारे काफ़ी तीन तीन प्लाटून हमने लगाए। ये थे राजवीर से जी डीएसपी जो कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं और चारों तरफ यानी कि इस तरह से पुलिस का दल बिछाया गया है कि कोई भी पर ना मारे और मुख्यमंत्री जी की ज़्यादा सौहार्दपूर्ण यहाँ से निकल जाए। और इन्होंने बताया कि हमें जैसा इलम हुआ है कि विजिलेंस ने इनको बताया है कि तीन चार जगह ऐसे कुछ मिस्क्रियंट्स की इनके पास खबर आई है कि जो कहीं ना कहीं कोई काला धंधा दिखाने की ख्वाहिश में लगे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा और असामाजिक तत्वों को वहीं कंट्रोल कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर मुखातिब हूँ आपसे मीडिया पर। आज बड़ा खुशी का दिवस है कि मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ आ रही है, हासिल के अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे साथ पूर्व सीपीएस और वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद भ्याना जी हैं। विनोद भ्याना जी ने उनके स्वागत के लिए बहुत कुछ किया, इस पर कल खैर मकदम और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल भाई जी के होटल के सामने बहुत बड़ा पंडाल लगाया है, हजारों की संख्या में इनके समर्थक यहाँ है, घुड़सवार
बिल्कुल बाजे के साथ यहाँ उपस्थित है। मैं जानना चाहता हूँ विनोद खैना जी से कि आपने इतनी यानी कि संख्या में आपके समर्थक यहाँ है, गलत मामलों के साथ अभिनंदन खैर करने इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री जी हाथ में प्रवेश कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है। अभी तो मुख्यमंत्री जी को आने में लगभग एक घंटा और लगेगा, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आपके सामने इकट्ठे हैं, हजारों की तादाद में लोग रास्ते में हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल तक बढ़िया कार्य किए, पारदर्शी शासन दिया, उसका परिणाम है। आज जनता उमड़ के आ रही है उनके स्वागत के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं हांसी हलके की जनता पे और माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको लगता है कि 90 सीटें आ जाएंगी? कुछ भी हो सकता है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की लहर, मोदी की लहर और मनोहर लाल खट्टर की लहर किस कदर अपने आप बयां कर रही है। ये 90 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। आप बड़े उत्साही हैं, आप बड़ी उमंग है और आपके समर्थक भी बड़े उत्साही हैं। क्या लगता है कि हांसी पूरी हलचलमय हो चुकी है, कमलमय हो चुकी है? आप देख रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं किस तरह से लोगों में जोश है और हजारों की तादाद में लोग स्वागत करने के लिए पूरे हांसी हलका से यहाँ उमड़ पड़े हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि आज पूरा का पूरा हांसी भाजपा में हो गया है। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है। फिर आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हांसी में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद मेहता जी हैं, जिन्होंने यानी कि राजस्थान चौक, ये हम कहें कि जाट धर्मशाला चौक और ये विश्राम घर चौक पर एक बहुत विशाल पंडाल लगाया हुआ है। हम इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का किस तरह खैर मकदम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, क्या क्या तैयारियाँ की हैं? विनोद माता जी बताइए, आप मुख्यमंत्री जी की आंखों के बल्कि पावड़े बिछाए हुए हैं उनके स्वागत में। मुख्यमंत्री जी का यह आगमन है और आपने विशाल पंडाल का आयोजन किया है, तो क्या क्या तैयारियां हैं आपके मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में? जब हम कोई जागरण या सत्संग करते हैं और भगवान की इंतजार करते हैं, तो आज हमारे राम भगवान आ रहे हैं, जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री खट्टर जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं उनका दरबार सजाते हैं, वैसे ही दरबार सजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और 21 पंडित जी स्टेज जो पर बैठे हैं, जो उनके लिए मंत्र जंतर करेंगे और हर बार यही मुख्यमंत्री ये पूरे शहर और हल्के को खुशी होगी। इसको शॉर्ट ऑफ एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 8 जगह मुख्यमंत्री ने कंट्रोल द्वार लगाए गए हैं, जो टिकट साहब आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आज हम हिसार से या पूरे हरियाणा की बात करें, तो जनता बाहर निकल के मुख्यमंत्री को भगवान के रूप में देखकर उनका स्वागत कर रही है और पूरा शहर हांसी हल्का बाहर निकल के उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं और उनको संपूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे मुख्यमंत्री बनते हुए इसकी सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है आपकी बात 75 पार यानी कि हो जाएगी? मैंने क्या तो उन्होंने जब 75 पार बोला था तो हमें लगता है 85 पार होएगा। उनका इतना आशीर्वाद है कि सोचने की जरूरत नहीं है। आप जनता को देख रहे हो कि जनता कितनी रोडों पे पूरे हरियाणा के अंदर बाहर निकल के उनके आते ही उनका एक आज मुख्यमंत्री लेवल पे जोड़ के राम भगवान की तरह उनकी पूजा करके उनका स्वागत कर रही है। ये थे विनोद मेहता जी, जिनकी एस्पिरेशन है, मानना है कि 85 पार हो जाएगी, 75 का एक नारा 85 तक छू जाएगा, विशाल पंडाल और 21 यानी कि पंडितों के साथ युवा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और महामंत्र पढ़कर मुख्यमंत्री जी की दीर्घ आयु की कामना करकर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और विनोद मेहता जी का कहना है कि विशाल पंडाल इस बात का प्रचायक है कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ कितना वर्चस्व है हांसी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर। एक जन आशीर्वाद यात्रा एक सैलाब की तरह, एक सुनामी की तरह और एक जन सैलाब की तरह उमड़ रही है। मुख्यमंत्री को प्रत्याशित अभिनंदन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। विनोद मेहता जी भी इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हजारों समर्थकों के साथ। मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी महेश सेरिया जी को इनका काफिला दिखाइएगा, एक चूप करिएगा दोस्तों। दौसा दाल सभी के बीच देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री आने वाले हैं। आप सभी के चहेते,
आप सभी के प्यारे जिन्हें देखने के लिए जिनको जिनसे रूबरू होने के लिए आप सभी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी आने वाले हैं, तो सभी भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माता बहनों से यही गुजारिश है की व्यवस्था बनाए रखने वाले, सड़क को थोड़ा खाली रखे, वाहनों को जाने दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का, देखिए जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब बहुत जल्द आने वाले हैं, आप सभी के बीच श्री मनोहर लाल खट्टर जी आने वाले हैं, सबके दिल में उत्साह है, बता दीजिए कितना उत्साह, कितना जोश आपके। आशी जिला बनाओ की संघर्ष समिति हाथों में बैनर लिए हुए है और उसमें लिखा है कि घोरा पाना है, हाथी जिला बनाना है, और क्योंकि 11वें दिन आज आगरा अनशन पर पहुंच गए हैं, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शहर के लोग हैं जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री जी को ये बैनर दिखाएंगे और अपने बात उठाएंगे, मेरे साथ धोती खड़े हैं यहाँ पर, इसे जानते हैं, जरा बताइए ये धोती जी आज 11वें दिन आगरा अनशन पर बैठते हैं, वासिया जी भी यहाँ खड़े हैं, तो आपकी मांग क्या है, आज मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे या उनको प्रदर्शन करेंगे या बैनर दिखाकर आप वापस अपने पर बैठ जाएंगे? आज ये जो भी है शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा यहाँ पर, अगर हमें पूरा विश्वास है आज मुख्यमंत्री जी जिला बना करके जाएंगे, अगर जिला नहीं बनाते तो उसके आगे कार्रवाई दिक्कत देखी जाएगी। इनको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इनकी बात सुनेंगे और इनको आश्वासन देंगे, ये दिखाइए ये महिलाएं ये हाथ में तख्ती लिए हुए हैं और बात के लिए धर्मचंद जी आइए मेरे साथ, कि आप ये तख्तियां लिए हुए हाथ में स्लोगन है कि खोया गौरव पाना है, हाथी को जिला बनाना है, हाथी जिला बनाओ संघर्ष समिति का क्या प्रदर्शन है आज मुख्यमंत्री जी जस्ट समित है और हम किसी किस्म का और कोई ये मेरे साथ प्यारे लाल फौजी जी हैं, ये क्या कह रहे हैं संघर्ष समिति का क्या बैनर है, क्या आज विषय है? हमारे फौजी का इरादा होता है जब तक हम जीत हासिल नहीं करें तब तक हम आगे की भी हमें बैठना पड़ा तो हम जरूर बैठेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी की भावनाओं से के हासिल को जिला बनाए और जिला बनाए। शुरू में तो ये लोगों ने यहाँ पे कह दिया कौन मनोहर लाल, ये कहाँ से आ गया, इधर से कमा किया, अरे बहनों मैं कहाँ से आया, मेरे पुराने साथी क्योंकि इस पार्टी में इस संगठन में सन 1980 से लगातार 35 साल ही जनता की हरियाणा की सेवा मैंने की है, मैं हरियाणा की जनता नहीं बल्कि ये कहूंगा हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग जो मेरा अपना परिवार है, इस परिवार की सेवा की है। भाई बहनों बहुत सी तकलीफें जनता की नीचे क्या है, बखूबी जागते हुए हमने बड़ा लो प्रोफाइल रह के सहज गति से अपना काम शुरू किया है, लोगों ने कहा इनको तो तजर्बा नहीं है, ये तो अनाड़ी हैं, पता नहीं कब तक सरकार चलाएंगे कब तक नहीं चलाएंगे, और इस प्रकार से हम बिना किसी के प्रभाव किए हुए लोग बड़े झंडे नीचे कर लो, हमेशा लोगों को देखने दो झंडे नीचे कर लो, तो इस प्रकार से हमने लोगों की दुख तकलीफों को दूर करना शुरू किया, भरपूर विकास के काम कराए, हर इलाके में कराए, बिना भेदभाव के कराए, हमारा विधायक था या नहीं था हमने सब जगह कराए, चाहे वो हांसी हो, रोहतक हो, करनाल हो, एलनाबाद हो या कहीं मोरनी हो, कोई भी इलाका, एलनाबाद के साथ हम दूर दराज के होडल और नागर चौली तक इलाकों में जहाँ जैसी समस्या थी उसको हल करने का हमने प्रयत्न किया, विकास के कामों में लाखों करोड़ रुपया हरियाणा में लगा, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ 500-700 करोड़ का काम नहीं हुआ हो, हाँसी की अगर छोटी बातें नहीं गिनाओ तो बड़े प्रोजेक्ट, ये जो रोहतक हाँसी की रेलवे लाइन, ये भाइयों बहनों हमने आने के बाद शुरू कराई, इसकी मिट्टी भी हमने डलवाई, पैसा हमने और आगे चल करके मुख्यमंत्री जी जगह जगह भाषण करते आ रहे हैं, उन्होंने पहले विनोद भ्याना जी के पंडाल में भाषण किया और विनोद मेहता जी के पंडाल में भाषण किया, विनोद मेहता ने उन्हें भागवत गीता भी भेंट किया, मुख्यमंत्री जी ने एक व्यक्ति को पूछा कि भी मेरे पास गैस सिलेंडर नहीं है, तभी उन्होंने DSP को संज्ञान देने के लिए कहा कि इसका नाम नोट कीजिएगा और
से गैस सिलेंडर मुहैया करवाइएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा 5 साल का लाइसेंस रिन्यू कर दीजिए और मैं दोबारा लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जब यहाँ पंडाल पर पहुँचे, यहाँ थोड़ी दूर पर जो कि जिला बनाओ संघर्ष समिति थी, तो उनका कहना था कि तुम्हारी मांग मेरे संज्ञान में है, समय आने पे इस पर विचार किया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री जी बोलते जा रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मुख्यमंत्री जी का भाषण होता जा रहा है और वे बार बार जनता जनार्दन से ये कह रहे हैं कि मैं कुछ मांगने आया हूँ आज तुमसे और फिर मेरा देने का वक्त आएगा जब मैं तुम्हें दूंगा, खुल कर दूंगा और किसी को नाराज नहीं करूँगा। 5 साल के लिए मेरा लाइसेंस रिन्यू करवा दीजिए। ऐसे ही बात उन्होंने जब जिला बनाओ संघर्ष समिति के सामने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर विचार करूँगा, हमने पुलिस जिला बना दिया है और इसे पूर्ण जिला बनाने के लिए इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का काफिला यहाँ से आगे बढ़ गया है, अम्बेडकर चौक होता हुआ काली देवी चौक, उसके बाद थाना कला, उसके बाद शोर की भाटोल और वो बास खुर्द होता हुआ बरवाला की तरफ निकलेगा। मुख्यमंत्री जी ने साथ ये भी कहा कि हमने हिसार को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। हिसार अब 1600 रुपये में हम हिसार से चंडीगढ़ जा सकते हैं और जल्द ही जयपुर के लिए भी हम एयरवे चालू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हाँसी झील लाइन यानी कि अपने